नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। कौन से गांव से हैं आप? खानापुर चपरा। क्या मामला है आपका? सर, हम जा रहे थे अपने मामा के घर जी, और जब हम रामपुर में पहुंचे तो हमने ऑटो वाले को रुकाया और उसके बाद हम गए राजा फतेहपुर में। जब रुके तो उसने बोला कि हम इसे आगे नहीं जाएंगे, आप किसी दूसरे साधन से चले जाइए। तो हमने बोला ठीक है, हम दूसरे साधन का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों लोग आए, रज्जब और रज्जन। उसने बोला कि कहाँ जाओगे? हमने बोला अपने मामा घर जाएंगे। फिर उसके बाद उसने बोला कि हम छोड़ देंगे तुम्हें नौना में। हमने बोला नहीं, हम दूसरे साधन से चले जाएंगे, आप लोग चले जाइए। तो उसने बोला नहीं, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम जानते थे उसको और वो हमें जानते थे। फिर हम बैठ लिए उनकी बाइक पे, अरे बंद गाड़ी में, चरपहिया गाड़ी थी उनकी। और उसके बाद हमें नौना ना छोड़ने की वजह से हमें लखनऊ पहुँचाया गया। उसके बाद हमें तीन दिन उसने हमें बंद कमरे में रखा चोरी से। और जब वहाँ से हम छूटे पाए तो अपने पापा के पास फ़ोन किए हम। फिर उसके बाद हमने सारी हकीकत अपने पापा को बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसे हुआ गलत काम। फिर उसके बाद हमारे पापा ने अपने घर आए जौनापुर से खानापुर, और खानापुर से फिर गए सरदारगंज इन लोगों के गांव। तो वहाँ के लोग भी रहते थे लखनऊ में, इनके गाँव के आदमी। तो लखनऊ मेरी बुआ भी हैं, अरे सरदारगंज में मेरी बुआ भी हैं। फिर वहाँ के दो चार लड़के और हमारे पापा 7-8 लोग गए लखनऊ। वहाँ से हमें छुड़ा के ला रहे थे लोगों ने। हमें हमारे साथ जबरदस्ती तो किए ही और हमें लाने भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद बहुत मारपीट भी हुआ और उसके बाद हम आए घर अपने पापा के पास। शादी का दबाव कर रहे थे, बोले कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करा लेंगे। उसके बाद में हमारी मांग में सेनूर भी डाला और ज़बरदस्ती। फिर हम आए अपने गांव तो हमें अपनी अप्लीकेशन दिए। क्या नाम बताया था उन लोगों ने जो लोग ने आपको बंधक बनाए थे? रज्जब और रज्जन। उनके पिताजी का क्या नाम है? अरे अल्लाह बख्श।